हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल ट्रांसपोर्ट में। तो आज हम HRTC पठानकोट में सफ़र करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही हमारी HRTC बस पठानकोट डिपो, जो कि जोधपुर से होकर कांगू, नदौन, ज्वालाजी, कांगड़ा, जसूर, पठानकोट होते हुए जम्मू कटड़ा तक जाती है। ये बस सुबह 4:40 पर जोधपुर से चलती है और नदौन से 7:10 पर कटड़ा के लिए जाती है। अभी हम नदौन में पहुंच चुके हैं। ये रहा नदौन का बस स्टैंड और जयंती बस, जो कि कांगड़ा तक जाएगी, पर वो 7:30 जाएगी और ये बस 7:10 पर नदौन से चलेगी। वो रही बैजनाथ चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ से अभी बैजनाथ के लिए जा रही है। अभी हम नदौन के ब्यास ब्रिज पर हैं, इसे हम क्रॉस करने के बाद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे। अभी हम नदौन से निकलने के बाद ज्वालाजी बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। ये नगरोटा बगवा बस और विदेहरा बस आ गई। ये रहा हमारा ज्वालाजी बस स्टैंड, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ये बस 7:45 पर ज्वालाजी से कटड़ा के लिए चलती है और नगरोटा बगवा की बस ज्वालाजी से 7:45 पर ही चंडीगढ़ के लिए जाती है।
अगर आप ज्वाला जी से चंडीगढ़, दिल्ली, होशियारपुर, अमृतसर के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहीं से लेफ्ट साइड वाले रोड पर जा सकते हैं और राइट साइड वाला कांगड़ा, पालमपुर, बैजनाथ के लिए जाता है। अभी परिचालक टिकट काट रहे हैं और हम चलते हैं आगे कांगड़ा की तरफ। ये रहा SSV ट्रेनिंग सेंटर जो कि ज्वाला जी से 4 किलोमीटर है की दूरी पर है और इस जगह का नाम सपड़ी है। ये हरियाणा शक्ति बैजनाथ से बाया ज्वाला जी होकर दिल्ली के लिए जा रही है। अगर आप कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर से आ रहे हैं और आपको शारपुर, हम्ब, उन्ना के लिए जाना है तो आप यहीं से लेफ्ट वाली साइड से होकर जा सकते हैं। यहां से कांगड़ा फोर्ट 13 किलोमीटर, कांगड़ा 17 किलोमीटर है दूरी पर है। अभी हम रानीताल में हैं।
यहाँ पर पास में ही ज्वाला जी रेलवे स्टेशन है। आरएन एक्सप्रेस जो कि कांगड़ा से अभी कुल्लू के लिए जा रही है। लेफ्ट साइड वाला रास्ता सीधा पठानकोट के लिए जाता है। इस बस वाले ने ब्रेक एकदम से बीच में लगाई, मेरे को लगा कि ये हमारी वाली बस के साथ टकरा गई, पर खैर बस तो वैसे तो उसने ब्रेक पूरी सही जगह लगाई है। अगर आपको पठानकोट जाना हो और कांगड़ा बीच में ना आए तो आप यहीं से लेफ्ट वाली साइड होकर जा सकते हैं। ये बस वापसी के लिए कटरा से जोड़ से कटरा से सुबह 6 बजे, जम्मू से 7:10 और पठानकोट से 11:10 पर और कांगड़ा से 2:30 के लिए जोधपुर के लिए चलती है। यहाँ पर गाय एकदम से सड़क के बीच में आ गई, मेरे को लगा कि बस के साथ टकरा गई, खैर वो तो बच गई, अच्छा हुआ। ये रहा दौलतपुर चौक। मेरे को ये ओवरटेक बहुत ही अच्छा लगा। हिमाचल के रास्तों की बात ही अलग होती है, जो ये मोड़ आते हैं एकदम से तीखे मोड़ आते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं कांगड़ा की सुरंग में, जो कि बहुत ही फेमस है कांगड़ा की सुरंग के नाम से ही। और यहाँ पे जो ऊंचे ट्रक होते हैं वो गुजर नहीं पाते, तो उनको पीछे ही खड़ा किया जाता है। Thank you.
ऊपर से रहा हिमाचल की टॉय ट्रेन का ब्रिज। ये रहा कांगड़ा का फोर्ट जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। CTU चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हिमाचल, हिमसुता हिमाचल की शान, बोलवो ये रहा कांगड़ा का बाईपास जो कि आप यहां से लेफ्ट वाली साइड पालमपुर, बैजनाथ, टांडा, नगरोटा, चामुंडा माता के लिए जा सकते हैं। ये बहुत ही तंग रास्ता है जो कि एक टाइम में एक ही गाड़ी गुजर पाती है। ये बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियाँ पर अभी धुंध के कारण वो साफ नहीं दिख रही थी। ये रहे HRTC पठानकोट के परिचालक। अभी हम एंट्री कर रहे हैं कांगड़ा बस स्टैंड में। अभी बस को अपने काउंटर में लगा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को हिमाचल ट्रांसपोर्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।